यूपी की राजधानी लखनऊ में दिन दहाड़े हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की उन्हीं के दफ्तर में गला रेतकर हत्या कर दी जाती है और किसी को भनक तक नहीं लगती। हत्यारे बड़ी आसानी से सनसनीखेज वारदात को अंजाम देकर निकल लेते हैं। योगी राज में दिन दहाड़े हुई इस हत्या से हड़कंप मच गया है। मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से पुलिस भी तुरंत हरकत में आ गई। पुलिस ने इस मामले में बिजनौर से एक मौलाना और सूरत से 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इस बीच कमलेश तिवारी के दफ्तर के बाहर की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें 2 युवक कमलेश की दफ्तर की ओर जाते दिख रहे हैं। इन दोनों युवकों में से एक ने भगवा और दूसरे ने लाल रंग का कुर्ता पहना है। इनके पीछे एक महिला भी चल रही है, जिसे लेकर सवाल उठने लगे हैं कि क्या कमलेश तिवारी की हत्या का कोई महिला कनेक्शन भी है। इस महिला ने भी लाल रंग का सूट और सफेद रंग की चुन्नी पहनी हुई है। दरअसल ये युवक बड़े आराम से बातें करते हुए जा रहे हैं। ये दोनों एक दो बार पीछे चल रही महिला से भी बात करते हुए दिखाई देते हैं। दोनों युवक कौन है इसकी पहचान नहीं हो पाई है और न ही ये पता चल पाया है कि ये महिला कौन है और इसका कमलेश तिवारी की हत्या से क्या कनेक्शन है। इन युवकों में से एक के हाथ में मिठाई का थैला भी दिखाई दे रहा है। ये महिला थोड़ी देर तक उनके साथ चलती हुई दिखाई देती है। पुलिस की टीम इस महिला का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने अभी तक इस फुटेज को पार्टी कार्यकर्ताओं को दिखाया है ताकि संदिग्धों की पहचान हो सके। माना जा रहा है कि दोनों युवकों ने भगवा कपड़े इसलिए पहने ताकि उन्हें आराम से एंट्री मिल सके। कमलेश की पत्नी किरण के मुताबिक 2 लोग उनको फोन कर मिलने के लिए पहुंचे थे। कमलेश ने इन दोनों को अंदर आने दिया और चाय बनाने को कहा। बातचीत के दौरान ही कमलेश ने अपने नौकर को पान मसाला लेने के लिए बाहर भेज दिया, लेकिन जब वो वापस लौटा तो देखा कि कमलेश नीचे खून से लथपथ पड़े हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कमलेश के शरीर पर चाकू से 13 बार वार करने की बात सामने आई है। आपको बता दें कि साल 2015 में कमलेश तिवारी को मोहम्मद पैगंबर पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त उन पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई थी।